पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपी के पास है। अवामी राज कायम करने के लिए अवाम को इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं है। आसिफ जरदारी ने जमहूरियत बहाल की, आमिर मुशर्रफ को भगाया, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड देकर सूबों को बाइख्तियार बनाया। बिलावल ने कहा कि अवाम को याद दिलाना है कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम की खिदमत की है। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। कायद अवाम ने अवाम के लिए जिदोजहद की। शहीद मोहतरमा 30 साल तक अवाम के लिए जिदोजहद करती रहीं, दो आमिरों से टकराई। चेयरमैन PTI पहले ही साइफर केस में इडिल्ला जेल में कैद हैं और सिक्योरिटी खदशात के बाइस उनका ट्रायल जेल में ही हो रहा है। साइफर केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। तकरीब में बड़ी तादाद में कश्मीरी रहनुमा और वर्कर भी शरीक थे। अब हमें नई सियासत का आगाज करना पड़ेगा, नई सियासत से हम उन मसाइल से निकल सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं कि अब भी अवाम पर भरोसा करें, सियासत और मंशूर पर भरोसा करें, दाएं बाएं ना देखें, अवाम को देखें। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है तो इसका नुकसान अवाम उठाएंगे। अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज भुगता है, अब अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी हमारा नारा रोटी कपड़ा और मकान है। हमें कहा जाता है ये तो पुराने नारे हैं, नया नारा लेकर आना चाहिए। आज भी मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है, हमारा नारा रोटी कपड़ा और मकान ही रहेगा। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग यानी महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। अगला वजीर आजम और वजीर आला जियाला होगा।